हेलो स्टूडेंट्स, सो हम चैप्टर पढ़ रहे थे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, चैप्टर 3 आपका 11th क्लास का। तो हमने उसमें अर्थक्वेक के बारे में जाना, और जो हमारी वेव होती हैं बॉडी वेव, उसमें भी टू टाइप की वेव थी हमारी, पी और एस वेव, ठीक है। उन दोनों के बारे में हमने रीड कर लिया था। पी वेव प्राइमरी वेव है हमारी, ठीक है, जो सॉलिड लिक्विड और गैसेज में पास कर जाती है, ठीक है। और आपकी जो एस वेव है वो सिर्फ करती है सॉलिड फॉर्म में। तो आज हम सरफेस वेव के बारे में रीड करेंगे। द बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव विच मूव अलोंग द सरफेस। मीन्स क्या है, जब आपकी सरफेस पे वेव आती हैं तो वहाँ पे अलग उनका नाम दे दिया जाता है, ठीक है। जो प्राइमरी वेव, वो सरफेस जो सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रही है, इसी वजह से इनका नाम सरफेस वेव है। और ये लास्ट वेव है जो रिपोर्ट होती है ऑन सिस्मोग्राफी पे, ठीक है। जो सिस्मोग्राफ आपका मेजरमेंट है, जो अर्थक्वेक की जो वेव को मेजरमेंट करता है, लास्ट वेव होती है। और ये मोर डिस्ट्रक्टिव होती है। मोर डिस्ट्रक्टिव मीन्स जब सरफेस पे आती हैं, ये जब इस सरफेस पे आती है तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती है, बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक होती है जब सरफेस पे आती है। ये आपकी लैंड, ठीक है, लैंड का अपर सरफेस का पार्ट, और जहाँ भी वेव टकराएंगी बहुत ही मोर डिस्ट्रक्टिव, जो भी होगा उसको ये डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। दे कोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक, जो रॉक्स हैं वो वन प्लेस टू अनदर डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है, डिस्प्लेस हो जाती है, यानी कि एक स्थान दूसरे स्थान चली जाती है। हैंस द कोलैप्स स्ट्रक्चर, उनका जो कलक्सर है वो तब जो स्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाता है, ठीक है, कोलैप्स हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज दे ट्रेवल थ्रू द मटेरियल। वेलोसिटी क्या है, मतलब जब मटेरियल है, कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है, वेलोसिटी ऑफ वेव मीन्स जो वेव उनमें से पास करती है, यानी कि जब ट्रैवल करती है तो वो सॉलिड या तो गैस से या लिक्विड फॉर्म में जाएंगी, ठीक है। तो मेटल विद द डिफरेंट डेंसिटी, सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वेव्स की वो होती है आपके सॉलिड में, ठीक है। अगर वेव सॉलिड में आ रही, जैसे ये रॉक है कोई, इसमें जो वेव की मूव करने, वो फास्ट मूव करने लगती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी वेव होती है वो सबसे ज़्यादा आपके सॉलिड में होती है, ठीक है। बाकी लिक्विड में चेंज हो जाती है, गैसेज में अलग, ठीक है, वो सॉलिड से कम रहती है उसमें, ठीक है। डेंस द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी, जितनी डेंस होगी मीन्स जितनी, जैसे रॉक है कंजस्टेड होती है बिल्कुल, ठीक है, एक दूसरे से जो जो आपके मटेरियल है वो बिल्कुल कंजस्टेड होते हैं। तो डेंस द मटेरियल, जितनी डेंसिटी ज़्यादा है वेलोसिटी उतनी हाई, जितनी डेंसिटी कम है वेलोसिटी उतनी ही हाई, या वेव की स्पीड बोल सकते हो आप। रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव द रिबाउंड वे, रिफ्लेक्शन मेक वेव मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब क्या होता है, कई देखो, ये वेव है आपके, ये सॉलिड मटेरियल है, अब इसके आगे आपके सीधा ही ये गैस वाला मटेरियल आ गया, ठीक है, और इसके आगे आपका लिक्विड वाला, ठीक है, ये लिक्विड आपका। अब क्या है, कोई वेव आ रही है, ये तो सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस, ठीक है। अब क्या होगा, कोई भी वेव आ रही है, सॉलिड में तो पास कर गई वो, ठीक है, प्राइमरी वेव, लेकिन जब क्या होगा, डिफरेंट टाइप का मटेरियल होगा तो ये क्या रिफ्रैक्स कर जाएगी, यानी कि इससे दूर हट जाएगी, क्योंकि अचानक से कोई जिसकी वो मटेरियल की जो भी प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई, तो ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। कभी कभार क्या होता है, ये वापस चली जाती है, ठीक है, वेव ऐसा भी होता है। तो रिफ्रैक्शन काज वेव टू रिबाउंड वे, रिफ्रैक्शन मेक वेव मूव डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है। अब एल वेव, ये एल वेव है, जो आपकी सरफेस वेव है उन्हें एल वेव भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो आप, जब ये वेव ऐसे चलती है तो कितना डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, देखो ये उस सरफेस एरिया कितना ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसी वजह से ये मोर डिस्ट्रक्टिव है। एक सरफेस एरिया और इतने की डिस्ट्रक्टिव, जो को अगर इस पर कोई भी बिल्डिंग होगी वो तबाह हो जाएगी, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग होगी यहाँ पे वो तबाह हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका
प्रोपगेशन ऑफ द अर्थक्वेक वेव, एज अर्थक्वेक वेव मूव ए प्रोपगेट दे केम वाइब्रेशन द बॉडी रॉक थ्रू विच वे पास। ये तो सभी को पता है कि जब भी अर्थक्वेक आएगा वाइब्रेशन तो होगी, ठीक है, जो भी रॉक्स हैं बॉडी हैं उनमें से पास होगी, ठीक है, चाहे रॉक्स हो चाहे लिक्विड हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक ट्रैवल इन डिफरेंट मैनर, डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक ट्रैवल यानी कि जितना भी वेव हैं आपकी वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल या जो भी है आपका सरफेस एरिया या लिक्विड फॉर्म उस डिफरेंट टाइप का आपका वेव मूव करती है। पी वेव वाइब्रेट पैरेलल टू डायरेक्शन, जो पी वेव है वो वाइब्रेट करती है पैरेलल टू डायरेक्शन रॉक्स के बिल्कुल पैरेलल, ठीक, जैसे सरफेस आया आपका, ठीक है, ये मान लो ये सरफेस है, ये आपका फोकस है और सीधा ही जाती है पी वेव, ठीक है, यानी कि बिल्कुल पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल होती हैं बिल्कुल सीधी, ऐसे नहीं जाती हैं सरफेस एरिया पे, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन टू वर्टिकल प्लेन्स, और एस वेव की जैसे ऐसे वेव जा रही है, ठीक है, एस वेव ऐसे जाएंगी तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, सरफेस एरिया है आपका या फिर जो एपिसेंटर है या फोकस है बिल्कुल, ठीक है, ऐसे मूव करके चली जाएंगी, ठीक है, तो लास्ट में आके सरफेस वेव बन जाती हैं, ठीक है। ये प्राइमरी वेव सीधे ही अगर जब आपके देखो ये फोकस है, ये प्राइमरी वेव, और जब ये प्राइमरी वेव मूव करती है ऐसे ऐसे यानी कि पूरे सरफेस एरिया पे, ठीक है, तो ये अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं तो ये परपेंडिकुलर बनाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधे ही। सरफेस वेव आर कंसीडर्ड टू द मोस्ट डैमेजिंग वेव, ये बता दिया मैंने, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव वेव होती है जो आपके अर्थक्वेक पे आती है। प्राइमरी वेव इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती और सबसे ज़्यादा होती है, मोस्ट डैमेजिंग वेव है। अब शैडो जोन पढ़ते हैं, ठीक है, शैडो जोन के बारे में ये डायग्राम आपको समझाएंगे, ठीक है। एक दो डायग्राम है इसमें, आप कोई से बना सकते हैं, देखो इसमें समझाता हूँ मैं आपको। जो आपका ये अर्थ है, अर्थ में तीन लेयर है आपकी, क्रस्ट, मेंटल और कोर, सभी को पता है। अब पी वेव है और एस वेव हमने रीड कर ली। अब पी वेव के बारे में आपको बताता हूँ, देखो पी वेव में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो वेव है वो पास करती है सॉलिड लिक्विड और गैस को, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये 0 डिग्री, अब पी वेव आर ये आपका कोर है, अब पी वेव पास कर रही है, देखो पी वेव यहाँ ये आपका कोई अर्थक्वेक का है एपी सेंटर, ठीक है, सरफेस एरिया पर, या फिर आपका हाइपो सेंटर, ठीक है, जो भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे फिर पी वेव यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर गई यहाँ पे, ठीक है, ये पी वेव है आपकी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब क्या होगा, जब वो कोर वाले पार्ट में पहुँचेगी, कोर वाले पार्ट में, देखो अब सीधे ही क्या, ये ऐसे तो गई नहीं, ठीक है ना, ऐसे करके, तो ये क्या होगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। ये रिफ्लेक्ट कब होगी, जब मैंने बताया था सॉलिड से सीधा किसी अन्य जो भी अदर मटेरियल में जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे सॉलिड तो यहाँ है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड हो सकता है या गैस भी हो सकती है, तो इसी वजह से जो पी वेव है वो रिफ्लेक्ट हो गई। और जब अचानक से लास्ट में जब वो कोर से बाहर निकलेगी तो वहाँ पे सॉलिड आएगा, गैस से अगर लिक्विड है सॉलिड आएगी तो थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। देखो ये रिफ्लेक्ट हो रखी है, आपने देख रखा है, ठीक है। और अब देखते हैं पी वेव, अब यहाँ देखो यहाँ पे सीधा चली जा रही है पी वेव, तो इसका मतलब इस एरिया में जो ये लाइन वाला है एरिया, यहाँ पे क्या होगा, जो मटेरियल है वो सॉलिड होगा, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधे चली जा रही है आपकी, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी वेव सॉलिड में सबसे ज़्यादा डेंस और हाई मतलब फास्ट मूव करती है, तो अभी बता दिया मैंने, तो इसी वजह से जो आपका ये एरिया है कोर का, इसमें सॉलिड गैस और मतलब और आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक रीजन से हम देख सकते हैं कि हम सिर्फ अर्थ के 12 किलोमीटर के अंदर जा सकते हैं, तो किसी को नहीं पता, लेकिन हम मानते हैं लिक्विड गैस और तीनों ही मिलते हैं, कोर में लिक्विड, फिर आपका थोड़ा मटेरियल गैसेज में, फिर सॉलिड में, ठीक है, तो ये इसका रीजन है। अब इसका शैडो जोन देखो, पी वेव का शैडो जोन बन रहा है 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री बन रहा है, और
शैडो जोन बन रहा है कितना 142 तक, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पी वेव नहीं आ सकती, ये शैडो जोन है इसका, यानी कि यहाँ पे इसकी जो परछाई बोल सकते हो आप, ये शैडो जोन नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। वैसा ही इस तरफ है, ठीक है। अब मैं 142 डिग्री कहाँ से लाया, ये वही पार्ट है, ठीक है। 0 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ और 90 यहाँ, ठीक है। 180 को रिलेटेड तो जी 90 यहाँ तक, फिर काउंट कर लिया 192, 91, 93, ओके। ये शैडो जोन बनता है। उसी तरह एस वेव की बात करें तो एस वेव मैंने क्या बताई थी, सिर्फ सॉलिड्स में ही क्या करती है, मूव करती है। तो आप देख सकते हो ये एपिसेंटर यहाँ पे मूव कर रही है सिर्फ सॉलिड में, ठीक है। और ये वाला पार्ट आप देख सकते हो सॉलिड लिक्विड और सार, तो यहाँ पे ये पास ही नहीं कर सकती क्योंकि सिर्फ पी वेव करती है। तो इसका शैडो जोन क्या बन गया, 105 डिग्री टू 180 डिग्री तक, ठीक है। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा शैडो जोन किसका है, एस वेव का, और उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो आपका ये डायग्राम से अच्छा समझ आया, डायग्राम बना लेना आप, इन दोनों में से आप कोई सा भी बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।